बिहार ब्यूरो चीफ योगेश्वर पासवान जी की खास रिपोर्ट। खबर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत की है, जहां मधुबनी पंचायत के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भट्टाबाड़ी एवं छुड़छुड़िया के बीच खेला गया, जिसमें छुड़छुड़िया की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 139 रन का लक्ष्य दिया। वहीं जवाब में भट्टाबाड़ी की टीम ने 7 विकेट से मैच जीतकर कप पर कब्जा जमाया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने पंचायत एवं प्रखंड की गणमान्यों ने अधिक संख्या में भाग लिया। क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अन्य समाज सेवियों ने भी भाग लिया, जिसमें खास तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में जयप्रकाश पासवान, सुशील यादव एवं मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद शमशेर आलम ने प्रतिभागियों को कप प्रदान किया और शांतिपूर्ण तरीके से दो टीम के बीच क्रिकेट को कराया। खिलाड़ियों ने लोकप्रिय समाजसेवी जयप्रकाश पासवान का आभार व्यक्त करते हुए पूरी टीम ने जयप्रकाश पासवान को धन्यवाद दिया। और जयप्रकाश बाबू हमारे कमेटी बॉक्स में पधारे हुए हैं, मैं तमाम कमेटी की तरफ से इन दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियों से इन दोनों मेहमान का और मुजफ्फर साहब का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले प्राइज वितरण से पहले, चूंकि प्राइज के बाद जश्न की तैयारी हो जाएगी, मैं सोचता हूं कि इससे पहले तो जयप्रकाश बाबू से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए खेल खिलाड़ी के बारे में आप कुछ बताएं। आज मधुबनी के वार्ड नंबर 6 में इस मैदान पर जो ये शानदार क्रिकेट का आयोजन किया गया, सर्वप्रथम मैं इस मैच के आयोजक एवं यहाँ के युवाओं का बहुत बहुत आभार एवं उन्हें बधाई देता हूँ। आपने इतने मैच का आयोजन किया बीच में फेंक दी और इस खेल में भट्टाबाड़ी की टीम और छुटपुरिया की टीम ने जो प्रदर्शन किया, हालांकि भट्टाबाड़ी की टीम इस मैच को जीत चुकी है, उसके लिए शुभकामना है, और छुटपुरिया का जो टीम है उनका भी योगदान कम नहीं है। आपने ये मैच जीत करके ये साबित कर दिया है कि आप जीत की तरफ थे, लेकिन क्रिकेट का खेल है, उसमें कुछ भी नहीं। अरे यूट्यूब पर जगह जितने सब्सक्राइबर रहता है वो पहले आपको बनाए पर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हमारे कप्तान अगाड़िया ना रे, कप्तान जी ना अगाड़िया पूरे टीम का लगे है सर कप्तान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।